वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आप लोग बहुत ही बढ़िया। नींद आ रही है फिर इतना अभी अभी उठाऊँ। और आज अपने को जाना है जहाँ पे अपना फंक्शन है, एक्चुअली होम टाउन जा रहा हूँ मैं अपने। और बिना किसी बकवास के अभी मैं तैयार होता हूँ। तैयार क्या, मैं डायरेक्ट स्टेशन में मिलता हूँ अपने, ट्रेन में बैठा हुआ मिलूँगा। ठीक है, तो चलो तैयार होते फटाफट। सो गाइस, फाइनली मैं अपने आदर्श भाई जो कि जा रहे हैं साथ, तो हम दोनों पहुंच चुके हैं स्टेशन के पास। अभी ट्रेन नहीं आई है, आई थिंक 9-10 मिनट में आ जाएगी। तो ट्रेन में बैठते, ट्रेन नहीं, ट्रेन में बैठते हैं और फिर ट्रेन के अंदर मिलते हैं खाते पीते। आदर्श भाई, ट्रेन में बैठे हो, पहली बार बैठे हो? हाँ भैया, पहली बार नहीं, तीन बार हो गया। ट्रेन चल चुकी है, देख नहीं रहा होगा, भीड़ बहुत है। 36-37 अपनी सीट थी, बट यह हुआ कि 37 उस साइड पे थी, 36 साइड थी, तो मंगा दी इधर से हमने, एक को बराबर हो गया। A few moments later, आदर्श भाई मैगी लाए हैं घर से बनवा के। तो आदर्श भाई मैगी खोलो, भूख लगी बड़ी, 9 बज चुके हैं भाई, और देख बैठे भूल गई मैगी। ये दिखा दे एक बार, चेहरा दिखा दे। आए हाय, बर्फी वाली मैगी। अबे हम बोले हमको तो तुम अकेले खा जा रहे हो यार, ये लो ये खाओ। अबे खाओ तो करके खुद खा ले रहे हो। चलो अभी अपन लोग मैगी खाएंगे गाइस। चम्मच बड़ी अच्छी लाए हो दिल्ली, और अच्छी है आदर्श, सही, बहुत बढ़िया मैगी, अच्छी बनाई आंटी ने। आंटी खाना बहुत अच्छा बनाती है, अगर आप ये वीडियो देखें। अब खाना बहुत अच्छा। आदर्श तो सो गया है, आदर्श सो गया, आदर्श नींद आ रही थी आपस को। अभी अपन लोग की ट्रेन रुकी हुई है थोड़ा सा, अभी तो टाइम है गाइस पहुँचने में। हम लोग 12:30 बजे करीब पहुँचेंगे, और अभी 10 बजने वाला है। 8 बजे के बैठे थे अपन, स्टेशन में उतरेंगे तो वहीं पे बात करते हैं गाइस स्टेशन पे उतर के। सो गाइस, अभी अपन लोग स्टेशन पे उतर चुके हैं यहाँ पर, एंड अभी हम लोग को थोड़ी दूर पैदल चलना है। पैदल चलने के बाद बस मिलेगी डायरेक्ट जहाँ पे हम लोग को जाना है। आदर्श कैसा रहा ट्रेन का सफर आपका? बहुत बढ़िया रहा, भीड़ बहुत थी बस। बहुत बढ़िया रहा, भीड़ बहुत थी बस। वी आर फाइनली इन बस गाइस, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपन। आदर्श क्या खाते हो, इतने मोटे क्यों हो रहे हो? नहीं खाते हैं यार, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना तो मैं भी खाता हूँ। तो हम लोग बस से उतर चुके हैं, और बस में यार बहुत दिक्कत होती है कसम से, मेरे को अभी तक याद है मथुरा में। वो तो मैं जानता हूँ, मैं जिम ट्रेनर जानते कैसे हम आए थे रात में मथुरा से, जब कंपटीशन खेल के आए थे। और आज भी वही कुछ हाल रहा, रोज थक गए हैं। अभी कॉल कर दिया मैंने, भैया आने वाले होंगे या जो भी है कोई, तो बाइक से लेने आएंगे। आदर्श कैसा लग रहा है गांव का माहौल यहाँ पर? सही है भैया, गांव का माहौल सही है। चलो अरे दे तो जिनकी शादी है वो मेरी दीदी हैं ना। आदर्श नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। ये हमको हमारे भैया जी यहाँ पर ले आए खाना खिलाने। भैया जी इधर देखिए, हमारे भैया हैं, बड़े भैया। भैया अपना परिचय दीजिए, परिचय इधर शाम को ब्लैक में है हम सब लोग। अभी पहले खाना आना तो देखा जाएगा, डांस करेंगे पहले। चलो
यहाँ पर फल फ्रूट वाला है सब, गोलगप्पे का अलग लगा है यहाँ पर, और दही बड़ा, दही भल्ला एक्चुअली, एंड आलू टिक्की, चाउमीन देख सकते हो, पढ़ते जाओ नीचे, पाव भाजी, मैं डुअल व्यू में ले रहा हूँ। और ये अपने आदत भाई खाने खाने के लिए चीला खाना है हमको, और अपना हलवा देखो, पहला मीठा हो गया, दूसरा मीठा अपना है रसगुल्ला, तीसरा ये, चौथा इधर मतलब था, ख़त्म हो गया लगभग, मतलब अभी बाकी और आएगा, पांचवा, छठा, सातवा, सब में ये जो हरा, ये देख रहे हो ना, कलर नहीं है इसका, अलग टेस्ट है सबका, ठीक है, इतना मीठा होता है यहाँ पर, मतलब गांव में लगभग मीठा ज़्यादा होता है, और उधर तो नॉर्मल खाना सबके लिए होता है भाई। ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ मीठा बहुत मिलेगा। अपने भैया भी यहाँ खड़े हो गए आके यहाँ खाने के लिए, भैया यहाँ खड़े हो, शर्म नहीं आती है? आ जाओ। फाइनली अभी अपन लोग खा पी के बैठे हैं, हमारी माता श्री हैं, हाय करो। तो अभी दूल्हा दुल्हन जो है खाना खा रहे हैं, शादी अभी नहीं हुई है, जयमाला हुई थी। आदर्श कैसा लग रहा? ठंडी नहीं लग रही? हाय चाची, हाय करिए, चाची हाय करिए, हाय लड़के। ये हमारी चाची हैं, दूसरे नंबर की चाची, दूसरे नंबर की चाची, मेरी तो चाची दूसरे नंबर की ना।
गाइस फाइनली जो फंक्शन था वो ख़त्म हुआ और हम लोग बहुत थक चुके हैं, समय वापस आ रहे हैं अपने कानपुर। देख सकते हो हालत अपन लोग की, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो बहुत रात भर जगे थे लेकिन इतना इन्जॉयमेंट था कि फुल ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाने लगे तो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली आदत भाई तो रात भर फ़ोन चलाते रहे, खाना फेल के खाया भाई ने। कैसा लगा था खाना वहाँ का? बढ़िया ना भैया। ए हे राजा जी। तो चलो गाइस बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेट टाटा बाय बाय, सी यू सून।